देखिए इस वीडियो में अब हम क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड्स सॉल्व करेंगे। जरा ध्यान से देखिएगा हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स एक्स को निकालना जबकि मैट्रिक्स वाई दे रखी है। तो अगर इस क्वेश्चन मैट्रिक्स इक्वेशन को मैं सोल्व करना स्टार्ट करूँ तो वी कैन राइट 2x is equal to 1 0 -3 2 -y। अब क्वेश्चन में मैट्रिक्स वाई हमें दे रखी है तो 2x is equal to 1 0 -3 2। y मैट्रिक्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए दैट इज 3 2 1 4। अब आप जानते हैं कि मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं तो 2x मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू 1 - 3 is -2 -2 -4 and -2। अब मैट्रिक्स एक्स कैसे आएगी, दोनों तरफ 1/2 से स्केलर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो मैट्रिक्स एक्स आ जाएगी -1 -1 -2 and -1। सो दैट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, नाइन्थ क्वेश्चन में हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या स्मॉल एक्स और वाई, अगर पहली मैट्रिक्स में देखें तो 2 से स्केलर मल्टीप्लाई करना तो कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगी 2 6 0 2x प्लस y 0 1 2 इक्वल टू 5 6 1 8। अब एक काम करिए दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर लीजिए, हमारे पास आ जाएगा 2 + y 6 1 2x + 2 = 5 6 1 8। हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया था कि दो मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं, जब उनके ऑर्डर इक्वल और कॉरस्पॉन्डिंग यानी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस से 2 + y हमारे पास आ गया 5 के बराबर तो y आ जाएगा यहाँ से 3 के बराबर और 2x + 2 इज इक्वल टू 8 आ गया दैट इज 2x इज इक्वल टू 6 और x भी हमारे पास कितना आ गया 3। सो दैट इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। अब देखिए जरा हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। एक्सरसाइज का 10th क्वेश्चन है फाइंड x एंड y। I think the same question we have done right now. I hope it was the same question. Yes. Now, another question. That is question number 10. Question number 10, हम देखिए कैसे solve करेंगे. X, Y, Z और T sub. तो देखिए जैसे question में कह रहा था scalar multiply, पहले matrix इसको आप 2 से scalar multiply कर लीजिए. आपके पास आ जाएगा 2X, 2Z, 2Y, 2T, plus अब ये वाली मैट्रिक्स 3 से स्केलर मल्टीप्लाई 3 - 3 0 6 इक्वल टू 3 से स्केलर मल्टीप्लाई यानी कि 9 15 12 and then 18। अब मैट्रिसेस को ऐड कर लीजिए, आपके पास आ जाएगा यहाँ से 2x + 3 2z - 3 2y + 0 2t + 6 इक्वल टू द मैट्रिक्स दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 9 15 12 18। अब दो मैट्रिक्स कैसे इक्वल होती है, इक्वलिटी का क्राइटेरिया लगा दीजिए, 2x + 3 मस्ट बी इक्वल टू 9। इसको सोल्व करेंगे तो 2x इज इक्वल टू आपके पास 6 तो x कितना आ गया 3। सिमिलरली 2z - 3 इज इक्वल टू 15, 2z इज 18 तो z आ गया आपके पास 9। सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो 2y इज इक्वल टू 12 तो y आपके पास आ गया 6, ये भी आंसर आ गया यहाँ से। एंड 2t + 6 इज इक्वल टू 18। अब आप 6 को उधर ले जाइए तो 2t इज इक्वल टू 12 तो t आपके पास आ गया 6। सो दीज आर द वैल्यूज दैट वी वर लुकिंग फॉर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब आपका, देखिए देखिए 11th और 12th क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे। आई थिंक द सिमिलर क्वेश्चन,
अब पहले क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन देखिए, एक्स से स्केलर मल्टीप्लाई तो कर दीजिए, ये आ जाएगा 2x और ये आ जाएगा 3x। अगला एलिमेंट आपके पास आ जाएगा ये वाई से स्केलर मल्टीप्लाई माइनस वाई और वाई इक्वल टू मैट्रिक्स दे रखी है आपको 2x1। अब इनको ऐड कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा 2x माइनस वाई और इधर आ जाएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू सॉरी 10 एंड ये 5। अब ज़रा ध्यान से देखिए, दोनों को इक्वेट कर देते हैं, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 और दूसरा आ जाएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो आपके पास दो लीनियर इक्वेशन आ गई, सोल्व कर लीजिए, ऐड कर लीजिए दोनों को, तो ऐड करने पर आपके पास आ जाएगा 5x इक्वल टू 15, तो x आ गया आपके पास 3। अब आप वैल्यू डाल दीजिए इक्वेशन वन में, इक्वेशन वन अगर मैं इसको ले लूँ तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 10, सो आई कैन से दैट वाई इज माइनस 4, सो दैट इज द आंसर। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 12, अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 आपको करना क्या है, इसमें पहले 3 से स्केलर मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो इस वाले क्वेश्चन में अगर आप 3 से स्केलर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 3x 3y 3z 3w और इस मैट्रिक्स को आप इक्वेट कर देंगे राइट हैंड साइड पर जो सम है, इन दोनों को जोड़ दीजिए, दैट इज़ x प्लस 4। देन वी विल बी हैविंग x प्लस वाई प्लस 6, देन माइनस 1 जेड प्लस w एंड देन 2w प्लस 3। अब इन दोनों मैट्रिसेस को आपको इक्वेट कर देना है। अगर पहला केस इक्वेट कर रहे हैं तो 3x आपके पास आ रहा है x प्लस 4 के, तो 2x इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से x का वैल्यू आपके पास 2 आ गया। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो 3y इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस 6, x का वैल्यू हमारे पास है डाल दीजिए, तो 2y इज इक्वल टू यहाँ से आपके पास 8 आ जाएगा, y आपके पास 4 आ गया। देन नेक्स्ट वन इज इफ आई इक्वेट 3w इज इक्वल टू 2w प्लस 3, तो हमारे पास सीधा सीधा w की वैल्यू आ रही है 3। अब हमारे पास दैट इज लास्ट वन z का वैल्यू रहता है, तो 3z इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस जेड प्लस w, w की वैल्यू 3 है और यहाँ से 2z इज इक्वल टू हमारे पास 2 आ जाएगा और z आ गया 1। सो दीज आर द सॉल्यूशंस। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आए होंगे।